हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं तहरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये वेजिटेबल तहरी यूपी बिहार का फेमस डिश है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें वेजिटेबल्स के कारण ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और टेस्टी भी है। इसे बनाना कितना आसान है, इसके लिए आप लास्ट तक मेरी वीडियो को देखिए। इसे बड़े बच्चे सभी पसंद करते हैं, मेहमान आए तो भी बना सकते हैं, डिनर, लंच, टिफिन के लिए। आप कभी भी इस रेसिपी को बनाइए, बहुत आसानी से और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे हम एक ही पॉट में तैयार करते हैं तो इसे एक पॉट रेसिपी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तहरी बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है एक ग्लास चावल, दो बड़े आलू को हमने क्यूब्स में काट लिया है, पहले पील किया फिर धो के क्यूब्स में काट रखा है, एक कटोरी हम फ्रेश मटर लिए हैं, गाजर, एक बड़ा गाजर को पील करके हमने काट लिया है क्यूब्स में, दूधी यानी कि लौकी को हमने काट लिया है छोटा टुकड़ा लौकी को, पत्ता गोभी, दो बड़ा प्याज को हमने छोटे छोटे पीसेस में काट रखा है, अदरक लहसुन का पेस्ट, कैप्सिकम इसे भी हमने क्यूब्स में काट रखा है, दो हम टमाटर बड़ा सा यूज करेंगे, यहाँ पे हमने बीन्स लिया है जिसे छोटे छोटे काट रखे हैं, 6 से 7 हम हरी मिर्च यूज करेंगे, तड़के के लिए हमने 8 से 10 लौंग, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी स्टिक, छोटी इलायची, 2 हम यहाँ पे सूखी लाल मिर्च लिए हैं, 1 चम्मच जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, तेल। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। आज की तहरी हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो गैस पे हमने प्रेशर कुकर रख लिया है, गैस को ऑन कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है तो हम सबसे पहले इसमें सारे सब्जी को फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आलू डालेंगे, आलू को हम तलाते हुए भूनेंगे। आलू को हमने आधा मिनट तक तेल में भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे क्यूब्स में कटे हुए गाजर, साथ में हम डालेंगे मटर। अगर यहाँ पे आप फ्रोजन मटर ले रहे हैं तो बाद में डालिए, लेकिन ये ताजी मटर है तो हम आलू के साथ ही इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बीन्स जिसे हमने छोटे छोटे काट रखा है। तो यहाँ पे हमने सभी सब्जियों को एक एक कटोरी के माप से लिया है। इसे हम 2 से 3 मिनट तक तेज फ्लेम में तेल में फ्राई करेंगे। हमें सब्जी को गलने नहीं देना है, इसका जो ग्रीनियस है या कच्चापन कहेंगे उसे दूर करने के लिए हमें तेज फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। अपनी सब्जी जो है हल्की हल्की भुनने जैसी दिख रही है, लेकिन आप देख सकते हैं सब्जियों का कलर एकदम तेज दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन, आलू का भी कलर। हमें इसे 3 मिनट तक भुना है। तो कुछ सब्जी है जिसे हम बाद में डालते हैं, तो वो है कद्दू, यानी कि 4 अंगुल कद्दू को हमने पील करके क्यूब्स में काट रखा है। यहाँ पे आप अपने मनपसंद सब्जी डाल सकते हैं। हमने लिया है 1 छोटा सा कैरेट जिसे, यानी कि पत्ता गोभी जिसे कि हमने थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है। इन्हें भी हम 1 से 1.5 मिनट तक सब्जियों के साथ भून लेंगे। सब्जियों को हमने भून लिया है, आप देख सकते हैं इसकी कच्चापन चली गई है लेकिन अपनी सब्जियों में क्रंच बरकरार है। तो बस तहरी में हम इतना ही सब्जी भूनते हैं। अब इसे हम एक प्लेट में
निकाल लेंगे। ऐसे हम एक प्लेट में सभी सब्जियों को निकाल लेंगे। सब्जी को हमने प्रेशर कुकर से निकाल लिया है। अब हम इसी कुकर में एक बड़ा चम्मच और तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छे से फिर से गर्म कर लेंगे। अब हमने जो फोरन तैयार करके रखा था उसे डालेंगे। तो हम सबसे पहले जीरा डाल देंगे, लाल मिर्च, दालचीनी अच्छी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, यानी कि सभी तड़के को हमें तेल में छोड़ देना है और कुछ सेकंड के लिए हमें इसे भून लेना है। जलने नहीं देना है, इसका आरोमा तेल में अच्छे से आ जाना चाहिए। इतना ही हम स्लो फ्लेम पे इसे गर्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी दालचीनी फूलने लगी है। बस हमें इतना ही फोरन को पकाया जाता है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज को हम कुछ मिनट के लिए भूनेंगे, यानी कि 1-2 मिनट तक हम इसे तेल में भूनेंगे। प्याज की कच्चापन चली गई है, आप देख सकते हैं हल्का हल्का ये गुलाबी होना शुरू हो गया है। तो हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना है, उतना ही भूनना है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, साथ में हम हरी मिर्च भी डाल देंगे और इसे भी हम 1 मिनट तक तेल में अच्छे से भूनेंगे, यानी कि इसकी भी कच्चापन हमें निकाल देना है भूनते हुए। प्याज के साथ हमने अदरक लहसुन भी भून लिया है। तो हमें फिर से आपको बता देती हूँ, ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना है, इसमें से खुशबू आने लगे, सब चीज़ें क्रंच रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमने टमाटर जो बड़े बड़े क्यूब्स में काट रखे हैं उसे डाल देना है और टमाटर को भी अच्छे से तेल में भूनना है। अब टमाटर के साथ ही हम मसाला इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और तहरी थोड़ी सी चटपटी हो इसके लिए हम 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर बच्चों के लिए है तो आप 1 ही चम्मच डालिए, हरी मिर्च भी कम कर लीजिए। मसाला को हम अच्छे से टमाटर के साथ मिक्स करके भूनेंगे। अब हम इसमें कैप्सिकम भी डाल देंगे। तो हमने कैप्सिकम लेट क्यों डाला, क्योंकि कैप्सिकम जो है बहुत जल्दी पक जाता है, इसके लिए हमने इसे लेट डाला है। जब तक अपना प्याज टमाटर कैप्सिकम हल्का सा भूनेगा तब तक हम चावल को धो के ले आएंगे। आप देख सकते हैं हल्का सा अपना टमाटर भी गल चुका है, हल्का सा अपना कैप्सिकम भी चॉप हो गया है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल को हमने 2 बार पानी से धो लिया है। अगर आप इसे भिगोना चाहें तो 10 मिनट पहले धो के भिगा सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में चावल ऐसे भी धो के डालिएगा तो बहुत सुंदर बन के तैयार होता है। तो हमने इसे अभी तुरंत धोया और डाल दिया प्रेशर कुकर में। अब हम 1 मिनट तक मसाले के साथ चावल को भी भून लेंगे। तो ऐसे हम मसाले के साथ चावल को 1 मिनट तक भून लेंगे। चावल को हमने ऐसे फिर भून लिया है। अब हमने जो सब्जी फ्राई किया था उसे भी तहरी में डाल देंगे। तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद सब्जियाँ डाल सकते हैं, जो नहीं है उसके लिए भी चल सकता है, लेकिन जितना सब्जी डालेंगे उतना ही टेस्टी तहरी तैयार होगा। अब सब्जी को हम चावल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
एक ग्लास चावल लिए थे, उसी ग्लास से हमें इसमें पानी डालना है। तो यहाँ पे हम एक ग्लास चावल लिए थे तो डेढ़ ग्लास पानी डालेंगे। प्रेशर कुकर में कभी भी आप राइस बनाइए तो चावल के डेढ़ गुना पानी डालिए, चाहे कोई भी पॉट से आप मेजर कीजिए। एक ग्लास चावल तो डेढ़ ग्लास पानी, एक कटोरी चावल लीजिए तो डेढ़ कटोरी पानी डालिए। एकदम परफेक्ट चावल बनकर तैयार होता है। अब हम सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसमें नमक। तो नमक अपने स्वाद के अनुसार हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हमने कोई भी सब्जी फ्राई करते वक्त नमक नहीं डाला है। नमक को हम अच्छे से चावल और सब्जी के साथ मिक्स करेंगे। अब हम कुकर में ढक्कन लगा देंगे। तो ध्यान रहे, जब हम ढक्कन लगा लें तो एक सीटी हम तेज फ्लेम पे इसे आने देने तक पकाएंगे, बाकी का एक सीटी हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, तभी अच्छे से अपनी राइस जो है वो तैयार होगी। एक भीसिल हमने तेज फ्लेम पे मंगवा लिया है, अब हम फ्लेम को स्लो कर लिए हैं, तो दूसरी भीसिल हमें स्लो फ्लेम पे आने देना है, तो अपनी राइस जो है अच्छे से पक जाएगी। तो यहाँ पे अपनी दूसरी भीसिल भी आ चुकी है, हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और जब तक इसका प्रेशर निकलेगा तब तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर हम आपको कवर खोल के दिखाएंगे। कुकर से प्रेशर निकल चुका है, अब चलिए हम ढक्कन खोल के चेक करते हैं अपनी तहरी को। हम ऐसे ढक्कन को खोलेंगे, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी सब्जी जैसे हमने क्यूब्स में डाला था वैसे दिख रही है, और राइस भी एकदम खुली खुली तैयार हुई है। हमें ऐसी ही तो तहरी के लिए राइस चाहिए होता है, बिल्कुल दाने दाने बिखरे हुए दिख रहे हैं। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हम आपको प्लेटिंग करके दिखा रहे हैं अपनी राइस नीचे तक कितनी खुली खुली तैयार हुई है। आप देख सकते हैं एकदम बिखरी बिखरी सब्जियों का चेक्स जैसे हमने काटा था वैसे वैसे ये वेजिटेबल तहरी ऐसे ही तैयार होनी चाहिए। वेजिटेबल तहरी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कितनी बढ़िया ये वेजिटेबल तहरी तैयार हुई है। फटाफट हरी हरी सब्जियों के साथ बनाना इसे कितना आसान है, और हमने कुकर में बना के दिखा दिया। सब लोग कहते हैं कि चावल स्टिकी हो जाता है, पर आपने देख लिया एक एक दाना खिला खिला राइस तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक्स के साथ आप भी इसी तरह वेजिटेबल तहरी बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में, और इसमें सारे विटामिन्स भी आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।